दोस्तों अगर आप भी एमएस धोनी और गायकवाड़ को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब हार रही थी चेन्नई की टीम, सभी खिलाड़ी आउट हो चुके थे, तब मैदान में ऋतुराज गायकवाड़ और एमएस धोनी ने कुछ ऐसा किया कि पंजाब की काया पलट हो गई। कैसे दोस्तों, पूरे मैच को पलटा है धोनी के एक डर ने और गायकवाड़ की बैटिंग ने। चलिए आपको इस वाक्य का पूरा वीडियो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, क्या एमएस धोनी को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 में चेन्नई की टीम कम रन बनाई, यह थोड़ा कम समझ में आता है, वो भी अपने ही घर में, लेकिन पंजाब के सामने कुछ ऐसे स्टेटस है उनके। देखिए पंजाब जब भी उनके सामने आता है तो कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। पंजाब की टीम से चेन्नई लगातार हारता भी रहता है और आज भी कुछ ऐसा ही हो चुका था, लेकिन एक पल में मैच पलटा। आपको बताएं दोस्तों कि चेन्नई की टीम इस मैच में पहले बैटिंग कर रही थी और पंजाब की टीम पहले गेंदबाजी। पंजाब की टीम के कप्तान इस मुकाबले में सैम किरण ही थे। खैर दोस्तों सैम किरण ने गेंदबाजी चुनी और मानना पड़ेगा उनकी गेंदबाजी के सिलेक्शन को, मतलब हरप्रीत बरार और हर्षदीप सिंह के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके उन्होंने चेन्नई के शेरों को उनके घर में बांध कर रख दिया। दोस्तों अजिंक्य राणे को 9 रन पर हरप्रीत बरार आउट करते हैं। उसके बाद यही नहीं, हरप्रीत बरार शिवम दुबे को 0 पर निपटाया है। रविंद्र जडेजा ने इससे पहले की हाथ पैर चलाते राहुल चहर उन्होंने 2 रन पर निपटाया है और समीर रिजवी मात्र 21 रन बनाकर रबाला का शिकार बनते हैं। मोइन अली से कुछ उम्मीदें जागी थी, वो 9 में 15 रन बनाए थे, लेकिन उनको भी चहर ने क्लीन बोल्ड कर दिया। ले देकर दो ही नाम बचे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ और एमएस धोनी। दोस्तों गायकवाड़ तो कप्तान है और कप्तान के तौर पर आज उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 48 गेंदों में 5 चौके 2 छक्के लगाकर 130 के स्ट्राइक रेट से पूरे 62 रन बनाए। लेकिन दोस्तों अब अंतिम 2 ओवर आ चुके थे और सबकी निगाहें एमएस धोनी पर थी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ की पारी से अब स्कोर 200 तक पहुंचना नहीं था। और धोनी जब मैदान में आते हैं, उनके कदम जैसे ही मैदान में पड़ते हैं तो खिलाड़ी से लेकर फील्डर से लेकर गेंदबाजों के मन में एक डर आ जाता है और वही डर का फायदा उठाकर वह रन बनाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद धोनी ने खुद को रोका नहीं बल्कि खेल खोल कर रख दिया। दोस्तों पारी के 20 ओवर की बात है। अब देखिए धोनी का डर तो इतना था कि हर्षदीप पहले ही गेंद वाइड डाल देते हैं। अब धोनी भाग चुके थे, उनके कदम पड़ चुके थे कि ये डगमगा रहे हैं। फायदा उठाया कवर की तरफ से, एक्स्ट्रा कवर पर एक खतरनाक चौका जड़ा। उसके बाद अगली 2-3 गेंदों में कुछ होता नहीं, लेकिन 5वीं गेंद आते आते एमएस धोनी का मन बन चुका था कि भाई एक पावर शॉट तो खेल कर जाऊंगा। अब डर इतना था जनाब के मन में कि वो लोअर फुल टॉस देते हैं, धोनी उठाकर मारते हैं और आउट जाते हैं। और दोस्तों हालांकि अंतिम गेंद पर धोनी रन आउट हो जाते हैं और एमएस धोनी का यह पहला विकेट है इस सीजन में जो उनका गिरा है, लेकिन फिर भी वो 11 गेंदों में 14 रन बनाकर जाते हैं एक एक चौका जड़कर। और आज भी उनका स्ट्राइक रेट बल्लेबाजी करते वक्त 127 के ऊपर था, जिसे चेन्नई की टीम के 162 रन बनते हैं। हाँ रन ज्यादा नहीं है, लेकिन जरा याद कीजिए अगर धोनी के ये 14-15 रन नहीं आते तो ये टीम 150 तक भी नहीं पहुंच पाती। तो दोस्तों आप सभी धोनी के इस खतरनाक बैटिंग को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे और गायकवाड़ को भी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।